जिसका सबको इंतजार था वही हुआ। एथलेटिक्स में अभी तक भारत को, आजाद भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था और 7 अगस्त 2021 ये डेट जो है इतिहास के पन्नों में इसका मेंशन होगा, इसका जिक्र होगा, क्योंकि इस तारीख को भारत को मिला अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल। एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल ही बहुत टाइम बाद मिला है। आपको बता दे, बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में भारत को आखिरी बार मिला था अभिनव बिंद्रा के हवाले से इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था वो भारत का। और आज नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक मुकाबले में फाइनल्स में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर इतिहास रच दिया। 23 साल के नीरज चोपड़ा ने जीत लिया ये जो फाइनल था, पहले पोजिशन पर रहे और इनका जो स्कोर अगर हम बताएं जो थ्रो थी वो थी 87.58 इनका बेस्ट थ्रो था और इससे वो नंबर वन पर रहे, निरंतर वो पहले नंबर पर बने रहे, कोई मैच नहीं कर पाया नीरज चोपड़ा को। आपको बता दें नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, बहुत सारे एथलीट्स हमारे हरियाणा से आए जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है ओलंपिक्स में। अभी रवि दहिया को हमने देखा कल और आज हमने देखा बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल लाए, लेकिन गोल्ड मेडल बहुत टाइम से चर्चा चल रही थी कि भारत के बस की बात नहीं लगती है गोल्ड मेडल। बहुत वक्त से भारत या तो फोर्थ आता है या तो ब्रॉन्ज जीतता है, सिल्वर मुश्किल से जीत जाता है, लेकिन गोल्ड मेडल जो है बहुत लंबे अरसे से सूखा पड़ा हुआ था उस मेडल टैली में जहां जो गोल्ड का सेक्शन होता है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने आज उसको पूरा कर दिया है। बीजिंग ओलंपिक्स के बाद से आज भारत को मिला है एक गोल्ड मेडल। उससे पहले हॉकी में जो कि एक टीम स्पोर्ट है उसमें भारत को कई बार मिले हैं, लेकिन एथलेटिक्स में पहला मेडल है ये और जो पहला मेडल आया आजाद भारत का वो भी गोल्ड मेडल। उससे पहले 1900 में 1900 में यानी कि 100 से ज्यादा साल पहले की बात है ये, जब भारत को ओलंपिक मेडल मिला था तब भारत अंग्रेजों के शासन में था, तब नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था, सिल्वर मेडल जीता था भारत की तरफ से, लेकिन आज़ाद भारत में नीरज चोपड़ा ने जो सपना था तमाम करोड़ों भारतीयों का वो पूरा कर दिया है एथलेटिक्स में पहला मेडल। और ये जो सपना था वो दिग्गज स्प्रिंटर भारत के जो कि जून में जिनका इंतकाल हुआ मिल्खा सिंह, उनका सपना था कि उनके जीते जी कम से कम वो हमें अपनी ज़िंदगी में कम से कम भारत को कभी किसी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में ओलंपिक मेडल जीतते हुए देखे। वो खुद चूक गए थे अपनी स्प्रिंट में और उनके दिवंगत होने के कुछ ही दिनों बाद नीरज चोपड़ा ने उनका सपना पूरा किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के भी प्रतिद्वंदी थे जो कि आपको बता दें नीरज चोपड़ा को ही अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन मेडल की रेस से वो आखिरी के जो राउंड थे उनमें वो निकल गए थे और भारत जो रहा नंबर वन पे, शुरुआत से ही नंबर वन पर बने रहे नीरज चोपड़ा। 87.03 था उनका पहला थ्रो, 87.58 उनका दूसरा था, उसके बाद वो 76 वगैरह पे जाते रहे, कम हुआ उनका, लेकिन जो बेस्ट उन्होंने थ्रो किया था सेकंड राउंड में उसी की बदौलत 87.58 ये फिगर जो है ये इतिहास की पन्नों में चला जाएगा। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल भारत के लिए, 2008 के बाद आया गोल्ड मेडल और एथलेटिक्स में पहली बार भारत को मिला है एक स्वर्ण पदक और स्वर्णिम अक्षरों में अब लिखा जाएगा इस युवा खिलाड़ी 23 साल के पानीपत से आने वाले ये जैवलिन थ्रोअर, जो कि आपको बता दें कि जैवलिन थ्रो उन्होंने सिर्फ वेट लूज करने के लिए ज्वाइन किया था, उन्होंने वेट लूज करने के लिए शुरू किया था ये सब, बहुत सारे क्रिकेट भी का शौक था उनको और चंडीगढ़ से इन्होंने पढ़ाई की है। आपको बता दें इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की रैंक भी मिली हुई है इनको और आर्मी ज्वाइन करने के बाद ही इन्होंने अपना जलवा दिखाया कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। आपको बता दें अपने डेब्यू में ही, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में ही जो उनका इकलौता अभी तक का कॉमनवेल्थ गेम है जो कि अभी 2018 में हुआ था, वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था डेब्यू में। ये अपने आप में एक इतिहास है और वो लगता है कि एक ट्रेलर था ओलंपिक्स के लिए और वो हमने आज देख लिया है जो कि आज भारत को मिला है पहला अपना मेडल एथलेटिक्स में और वो भी गोल्ड मेडल।